स्वागत है आपका न्यूजीलैंड भारत में। आपके साथ मैं हूं शारिफ इब्राहिम, लेकर हाजिर हूं कोल्हान से जुड़ी हर खबर। हमारा कोल्हान में चाईबासा में बीजेपी की एसटी मोर्चा के प्रदेश कार्य समिति की बैठक चल रही है। दो दिवसीय इस बैठक में न सिर्फ संगठन की मजबूती पर चर्चा चल रही है बल्कि लोकसभा चुनाव पर भी मंथन हो रहा है, लेकिन बीजेपी की बैठक पर जेएमएम और कांग्रेस ने तंज कसा है। खिलाने में जुटी बीजेपी, चाईबासा में बीजेपी एसटी मोर्चा के प्रदेश कार्य समिति की बैठक, लोकसभा चुनाव पर मंथन, आदिवासियों के विकास पर चर्चा। चाईबासा में बीजेपी एसटी मोर्चा के प्रदेश कार्य समिति की दो दिवसीय बैठक चल रही है। बैठक में मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष समीर उरांव और केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा समेत पार्टी के कई बड़े नेता शामिल हैं। बैठक में न सिर्फ संगठन की मजबूती बल्कि आदिवासियों के विकास पर मंथन हो रहा है। इस दौरान बीजेपी एसटी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष समीर उरांव ने हेमंत सरकार पर आदिवासियों को छलने का आरोप लगाया है। विभिन्न राज्य के परिस्थितियों पर, जनजातीय समाज के विषयों पर, जो इस राज्य में बहुत ही महत्वपूर्ण है, ऐसे सभी विषयों पर जहां चर्चा होगी, वहीं उसके साथ साथ जनजातीय योगदान जो आज़ादी के दशक से लेकर लगातार हुई है, उसके बारे में स्मरण करते हुए आगामी दिनों में लक्ष्य के साथ जनजाति समाज कैसे आगे बढ़े, इस दृष्टि से कई विषय होंगे जिस पर चर्चा होगी। तो केंद्र सरकार ने इतने करोड़ों करोड़ इन आदिवासियों के विकास के लिए दिया है, उन पैसे का उपयोग यहाँ करता तो हमारे गांव में आज किसी का भी मकान खपड़ा का नहीं होता, सबके खेतों में पानी आता, सबके घरों तक जो है पक्की सड़कें बनती और जो है बिजली भी रहता, किसानों का सर्वांगीण जो है इक्विपमेंट्स उसको मिलता, संसाधन मिलता, तो आज जो है समय पर अच्छा खेती करता। छत्तीसगढ़ में आदिवासियों के मिले समर्थन से बीजेपी उत्साहित है और पार्टी को उम्मीद है कि झारखंड के भी रिजर्व सीट पर कमल खिलेगा, लेकिन जेएमएम और कांग्रेस ने राज्य की सभी 14 सीटों पर जीत का दावा किया है। जेएमएम का दावा है कि बीजेपी लाख कोशिश कर ले, लेकिन राज्य में उसकी राजनीतिक जमीन खिसक चुकी है। राज्य की जनता ने उनको नकारने का काम किया है और आने वाले दिनों में इस राज्य की जनता उनको सही स्थान दिखाने का काम करे। माहौल है उसमें 14 का 14 सीट जीतेंगे, एक पर भी कमल नहीं खिलेगा, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। विधानसभा में कोल्हान की तस्वीर, वहां पर कमल खिलाने की तैयारी है बीजेपी की। देखिए, विधानसभा तो पिछली बार हम लोगों ने शून्य पर आउट किया, उनके मुख्यमंत्री तक को हरा दिया, हमारे मुख्यमंत्री प्रत्याशी दो दो के जगह से चुनाव जीते, आप अंदाजा लगा लीजिए कि झारखंड जी के मन में क्या चल रहा था। पिछले बार भी चाईबासा और राजमहल पर भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ताकत लगाई, दोनों सीट पर अंतर्गत वो हार गए। इस बार दो सीट पर वो ताकत लगा रहे हैं, तो इस दो सीट के साथ साथ हम 12 सीट और जीतने का काम करेंगे, मतलब 14 का 14 लोकसभा महागठबंधन इस राज्य में जीतने का काम करेगी। 2019 के लोकसभा चुनाव में सिंहभूम सीट पर कमल मुरझा गया था, लेकिन इस बार बीजेपी की कोशिश सिंहभूम में भी भगवा लहराने की है। यही वजह है कि बीजेपी आदिवासियों को साधने में जुटी है। न्यूज 11 भारत के लिए चाईबासा से हरी शर्मा और मनोज के साथ रांची से राकेश की रिपोर्ट। बीजेपी एसटी मोर्चा के प्रदेश कार्य समिति की बैठक के दूसरे दिन रविवार को प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी समेत पार्टी के कई बड़े नेता शामिल होंगे। प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक में प्रदेश प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी, नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी भी शामिल होंगे, लेकिन बैठक से पहले बीजेपी नेता पीएम मोदी के मन की बात सुनेंगे। इससे पहले बैठक के पहले दिन केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने पार्टी पदाधिकारियों को संबोधित किया और केंद्र सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने की अपील की। सम्मानित अतिथियों के द्वारा अनुसूचित जनजाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के अनुसूचित जनजाति मोर्चा का आज कार्य समिति की बैठक हुआ, जिसमें केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा जी यहाँ पर मौजूद है। जनजाति मोर्चा का यह प्रदेश कार्य समिति बैठक है और इस बैठक में विभिन्न राज्य के परिस्थितियों पर, जनजातीय समाज के विषयों पर,
जो इस राज्य में बहुत ही महत्वपूर्ण है, ऐसे सभी विषयों पर जहां चर्चा होगी, वहीं उसके साथ साथ जनजातीय योगदान जो आज़ादी के दशक से लेकर लगातार हुई, उसके बारे में स्मरण करते हुए आगामी दिनों में लक्ष्य के साथ जनजाति समाज कैसे आगे बढ़े, इस दृष्टि से कई विषय होंगे जिस पर चर्चा होगी और लोग उस चर्चा में मैं समझता हूं कि नई ऊर्जा लेकर के अपने कार्य में लगेंगे, सांगठनिक दृष्टि से, वैचारिक दृष्टि से अपने कार्य को आगे बढ़ाते हुए समाज, गांव या देशज जो हमारी विशेषता है उसके साथ इस देश में जो हमारी भूमिका है उस भूमिका को हम सही तरीके से आगे बढ़ाएंगे। देखिए, रिपोर्ट कार्ड उन्होंने जारी किया है, क्या किया है मैं यह तो नहीं कह सकता हूँ, लेकिन जनता से पूछिए तो आपको पता चल जाएगा कि 4 साल में इन्होंने इस राज्य को दिशाविहीन कैसे बनाया। देखिए, निश्चित तौर पे 2 दिवसीय कार्य समिति का बैठक है, जिस बैठक को लेकर केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा पहुंच चुके हैं। अर्जुन मुंडा आज पहला दिन उद्घाटन सत्र था, उद्घाटन सत्र में इन्होंने साफ तौर पे निर्देश दे दिया है कि राज्य सरकार ने अब तक इनके विभाग का जो कार्य है इसको लेकर एक बार भी इनके इनसे मुलाकात या पत्राचार नहीं किया है। अपने सहयोगी ऋषभ के साथ मैं मनोज कुमार, न्यूज 11 भारत, शाहीबाग। हेमंत सरकार के 4 साल पर नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी ने निशाना साधा और जमशेदपुर में उन्होंने कहा कि राज्य में भ्रष्टाचार चरम पर है, कानून व्यवस्था फेल है, लूट मची हुई है। बावरी ने कहा कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसे हेमंत सरकार ने ठगा नहीं है। वर्तमान की सरकार झारखंड की सबसे विफल सरकार रही है, सबसे भ्रष्टाचारी सरकार रही है, सबसे ज्यादा वादा खिलाफी करने वाली एक धूर्त सरकार रही है। इन्होंने अपने आप को पूरी तरह से अपराधियों के गिरफ्त में अपने आप को छोड़ दिया है, उसके गिरफ्त में चले गए हैं। आज जेल के अंदर हत्याएं हो रही हैं, जेल के अंदर से खुलेआम एक समाचार पत्र के संपादक को धमकियां दी जा रही है। आप दिखला सकता है, बतला सकता है कि राज्य सरकार की क्या उपलब्धि है? युवाओं को ठगा है 5 लाख नौकरियों का झांसा दे करके, 5,000-7,000 के बेरोजगारी भत्ता दे करके, हर दिन 5 दुष्कर्म की घटना। जमशेदपुर बीजेपी महानगर ने हेमंत सरकार के खिलाफ 4 साल की वादा खिलाफी का पोस्टर लेकर प्रदर्शन किया। महानगर अध्यक्ष गुंजन यादव ने कहा कि हेमंत सरकार ने अपने किए गए वादों को 4 साल के कार्यकाल में पूरा नहीं किया। देखिए, लूट और झूठ की सरकार, फाइल फोल्डर और बॉस की सरकार, हेमंत सरकार का 4 साल पूरा हुआ है। हेमंत सरकार को शर्म नहीं आ रहा है, इस 4 साल का पोस्टर लगाए हैं, 4 साल बेमिसाल। हम लोग कहते हैं लूट और झूठ के 4 साल। आप भी देख सकते हैं किस प्रकार झारखंड के खनिज संपदा की खुलेआम लूट हो रही है। गिट्टी चोरी, बालू चोरी, कोयला चोरी के साथ साथ झारखंड में विकास का कार्य ठप है, यह ऐसा प्रदेश हो गया है। जमशेदपुर में आजाद समाज पार्टी की ओर से उपायुक्त कार्यालय के समक्ष धरना दिया गया। ट्रैफिक जाम की समस्या को लेकर उपायुक्त को मांग पत्र सौंपा गया। खासकर मांगों में हर दिन जाम को लेकर लोगों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है या घंटों तक पुल जाम रहता है। वहीं समस्या का समाधान नहीं मिलने पर पार्टी की तरफ से बड़े आंदोलन की चेतावनी दी गई। आज जो हम लोग का मांग है, जो मानगो पुलिया में जो ट्रैफिक जो जाम होता है, वो जाम के लिए जो जाम नहीं लगना चाहिए, इसके लिए हम लोग पहले एक बार उपायुक्त तो महोदय को हम लोग ज्ञापन दिए थे, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुआ और दिन प्रतिदिन जो है जाम लग ही रहा है। और दूसरा मुद्दा है,
जो हम लोग का पलामू जिला में जो है मेदिनी राय और शहीद नीलांबर पीताम्बर का जो मूर्ति है उसको हटाया गया प्रशासन से, अभी तक उसको नहीं लगाया, उसको लगाया जाए, उसके लिए भी हम लोग। आदिवासी संगल अभियान के भारत बंद के तहत जमशेदपुर के टाटा हाता मुख्य मार्ग को संगठन के लोगों ने जाम कर दिया। बाद में पुलिस के समझाने के बाद जाम हटा। आदिवासी संगल अभियान सरना धर्म कोड लागू करने की मांग कर रहा है। सरना धर्म कोड को लेकर आदिवासी सिंगल अभियान के बैनर तले पूर्व सांसद सालखन मुर्मू के नेतृत्व में आंध्रा डिवीजन के चांडेल रेलवे स्टेशन के पास रेलवे ट्रैक पर लोग उतरे। उन लोगों ने कहा कि केंद्र सरकार सरना धर्म कोड की मांग को लगातार टाल रही है। आदिवासी सिंगल अभियान के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीवित बुंगा परसी जितकरिय दिसोमगोम के सालखन मुर्मू के आह्वान पर पूरे भारत में रेल रोड चक्का जाम का आह्वान किया गया है। प्राकृतिक पूजक आदिवासी 15 करोड़ लगभग हैं, लेकिन आज तक उनको सरना कोड नहीं दिया गया है। भारत देश में यदि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन बौद्ध को आप दे सकते हैं, तो भारत के 15 करोड़ आदिवासियों को आप क्यों नहीं दे सकते हैं? आदिवासी को हिंदू बोलते हैं, कभी वनवासी बोलते हैं, ऐसा नहीं चलेगा। जब भारत देश में अब 6 अन्य धर्म को कलम कोड दे दिया है, तो भारत के 15 करोड़ आदिवासियों को भी सरना कोड देना हो। सरना धर्म कोड की मांग को लेकर आदिवासी संगल अभियान के भारत बंद का चक्रधरपुर में आंशिक असर रहा। लंबी दूरी की गाड़ियों के परिचालन पर असर पड़ा। संगठन के लोग बंद को सफल बनाने के लिए सड़कों पर उतरे। बैनर पोस्टर के साथ उन लोगों ने सड़क जाम कर आवागमन ठप कर दिया। भारत देश में लगभग 15 करोड़ आदिवासी है, परंतु अभी तक आदिवासियों को धार्मिक मान्यता नहीं मिला है सरकार द्वारा। इसीलिए हम लोग पूरे भारत में प्रकृतिक पूजक आदिवासी अपनी धार्मिक मान्यता को लेकर धार्मिक मान्यता प्राप्त करने के लिए हम लोग भारत बंद किए हैं। वो सरायकेला के गमरिया बाजार के दुकानदारों ने आदित्यपुर नगर निगम के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। दुकानदारों ने कहा कि बाजार में गंदगी का अंबार है, बिजली पानी की व्यवस्था नहीं है, बावजूद निगम हर महीने 1,210 रुपए देने का दबाव बना रहा है। लोग आए हैं, नगर पालिका द्वारा जबरदस्ती पैसा वसूला जाता है डंडा के बल पर, और नोटिस दिया गया है कि 21,000 रुपया 7 दिन के अंदर में दीजिए, और नहीं तो दुकान में ताला मार देंगे, दुकान सील कर देंगे। सफाई के नाम पर सिर्फ पैसा मांगते हैं कि 1,200 रुपया सफाई का लगेगा, दुकान का भाड़ा अलग लगेगा। सुविधा ये दिए हुए हैं कि मेन रोड में खड़ा होकर के पेशाब कीजिए, यही सुविधा दिए हैं। पहली बात तो है कि 1,210 रुपया तो बहुत सारे दुकान में डेली का सेल भी नहीं होता होगा। रास्ता एकदम रास्ता में पेशाब बहता है, घर की महिला जा नहीं सकती उस बाजार में, ये तो सफाई का हालत है। पानी का तो कहीं कोई व्यवस्था नहीं है, पूरा बाजार में कोई पानी नहीं है। शौचालय आज 20 साल में पहली बार अभी शौचालय खुला, तो शौचालय के लिए भी अलग से वो लोग पैसा ले। जमशेदपुर में विगत कई वर्षों से टाटा पिगमेंट के पास पानी जाम और जर्जर सड़क की समस्या से लोग काफी परेशान हैं, मगर अब विधायक मंगल कालिंदी के प्रयास से बहुत जल्द यहां के लोगों को इस परेशानी से राहत मिलेगी। रेलवे की ओर से सड़क निर्माण का कार्य प्रारंभ कर दिया गया, जिसका निरीक्षण विधायक ने किया। सरायकेला में शिशगढ़ विधायक सविता महतो ने जरूरतमंदों के बीच कंबल का वितरण किया है। चौका रुगड़ी और काशीरी के लोगों के बीच करीब 500 कंबल बांटे गए। आज चावली वर्षा पंचायत अंतर्गत सिद्धि विनायक कंपनी के द्वारा लगभग 500 जरूरतमंदों को कंबल का वितरण। सरायकेला के गांव में स्वच्छ भारत मिशन के जिला संयोजक
गैरा गगरा चंद्र बैरा के ग्रामीणों ने पिटाई कर दी। ग्रामीणों ने पेड़ से बांधकर पिटाई की। हालांकि इसकी सूचना पर पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और भीड़ के चंगुल से उन्हें बचाया है। गांव की एक महिला के साथ अवैध संबंध का आरोप है। कर्कट की खूबसूरती में दलमा वन्य अभ्यारण चार चांद लगा रहा है। पर्यटन विभाग ने वन अभ्यारण में कई परिवर्तन किए हैं और यह पहले से अधिक खूबसूरत हो गया है। यह पर्यटकों की पहली पसंद बन गया है। दलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अब पहले से कई गुना खूबसूरत हो गया है। पर्यटकों के लिए सेंचुरी में कई गेस्ट हाउस बनाए गए हैं, जहां सारी सुविधाओं के साथ सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। रहने की व्यवस्था है, खाने के लिए कैंटीन है और सफारी भी हम लोग शुरू किए हैं। हाँ, बाहर बाहर से भी लोग आ रहे हैं। यहाँ पर रहने का व्यवस्था है, खाने पीने का व्यवस्था है और घूमने फिरने का जगह है। ऊपर भी जाता है गाड़ी उड़ी, सब कुछ सब ठीक ठाक। हाँ, जानवर यहाँ हॉर्न पार्क है, हॉर्न वगैरह है और बाकी सब जंगली जानवर तो ऐसे दिखते नहीं है। दलमा में पर्यटकों को बढ़ावा देने के लिए सफारी की भी शुरुआत की गई है। सफारी की सवारी आपको पूरे दलमा की सैर कराएगी। इससे वन में बसे गांव के भी दर्शन होंगे। सफारी दलमा चेक नाका से, चेक पोस्ट से हिलटॉप और हिलटॉप से आप जो कोर एरिया है वो वहाँ घुमाते हैं हम लोग। तो कितना पैसेंजर मिल रहा है अभी? पैसेंजर लगभग मिल ही रहा है पैसेंजर। हाँ, कितना भाड़ा कितना होता है इसमें? 10 जन का कैपेसिटी है, 2800 लेते हैं इसमें। अपना हाथी एक देखे चार सौ समय खान दिए वही वाला है, वही हाथी हाँ होता है। और देखे और एक देख लोखने बानर आ रही कुकुर ठुकुर आते दो। कैटेगरी ए जनरली टूरिस्ट साइट होती है, जहाँ पे इंटरनेशनल टूरिस्ट का इन्फ्लो हम लोगों को देखने को मिलता है, जैसे देवघर हो गया, पारसनाथ हो गया, जिसमें कुछ रिलीजियस साइट और नेचुरल साइट में पतरातु, नेत्रहाट, दलमा, ये सभी टूरिस्ट साइट जहाँ पे हमें इंटरनेशनल टूरिस्ट देखने को मिलते हैं, ये कैटेगरी ए की साइट्स हैं। हमारी जमशेदपुर में डिमना लेक हो गया, हमारा दलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गया, जिसमें बहुत अच्छी सफारी करके बहुत अच्छी एनिमल्स की साइटिंग भी होती है। इस वजह से ये कुछ साइट्स हैं जिसमें लोगों का लगातार नेशनल लेवल के, इंटरनेशनल लेवल के टूरिस्ट आके देखते हैं। इसके अलावा दलमा में बहुत सारी साइट्स हैं जो हम लोगों ने वन विभाग के साथ मिलकर काम करा है, तो वहाँ पे बहुत अच्छी सफारी की नई गाड़ियाँ प्रोक्योर करी गई हैं, नए कॉटेजेस बनाए गए हैं, जिसको टूरिस्ट बुक करवा के वहाँ पे ट्रैकिंग वगैरह का और फॉरेस्ट एरिया में रहने का आनंद उठा सकता है सफारी के साथ साथ। तो ये सभी हमारे हैं। आगे कुछ समय में जो हमारे अगला 2 से 3 साल का जो हमारी कार्य योजना है, हमने मास्टर प्लान्स कुछ एरियाज के बनाने शुरू करे हैं। दलमा में पर्यटकों की संख्या लगातार बढ़ रही है, लेकिन सेंचुरी की कोशिश रहती है कि पर्यटकों की संख्या अधिक ना हो, ताकि जंगली जानवरों को कोई परेशानी ना हो सके। सफारी से सफर कीजिए और दलमा का आनंद उठाइए। वैसे दलमा में प्रवेश करते ही आपको वो प्राकृतिक का आनंद मिलेगा, जिसका अनुभव आप करेंगे या तो किताबों में पढ़े होंगे या किसी से कहानी सुने होंगे। वो प्राकृतिक के गोद में बसा ये दलमा अपने आप में बहुत सुंदर है और बहुत कुछ देता है। जंगली जानवरों के दीदार के साथ हाथी का भी आप दीदार कर पाएंगे। अपने सहयोगी ऋषभ के साथ में मनोज कुमार, न्यूज़11 भारत, सरायकेला। जमशेदपुर में 31 दिसंबर और 1 जनवरी को लेकर जिला प्रशासन ने पूरी तैयारी कर रखी है। होटल और पिकनिक स्पॉट पर पुलिस बल की विशेष रूप से तैनाती की गई है। ड्रिंक एंड ड्राइव वालों पर निगरानी रखी जा रही है। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर SSP किशोर कौशल से बात की है संवाददाता प्रभात ने। और 1 जनवरी को लेकर जमशेदपुर पुलिस प्रशासन की क्या है तैयारी? हमारे साथ सीनियर SP साहब है। सर, 31 दिसंबर को देखा जाता है गाड़ियों की आवाजाही बहुत ज़्यादा होती है, पार्टीज होते हैं होटलों में, 1 जनवरी को पिकनिक स्पॉट्स में काफ़ी भीड़ होती है, तो उसको लेकर किस तरीके से तैयारी की गई है? देखिए, नए साल के आगमन को लेकर लोगों में उत्साह रहता है, तो उसको ध्यान में रखते हुए लगातार हम लोग अभी एंटी ड्रंकन ड्राइव पिछले तकरीबन 10 दिनों से तकरीबन वो जारी है और ख़ास तौर पर 31 की रात्रि के लिए विशेष अभियान भी हम लोग चला रहे हैं, जिसमें कि 20 से ऊपर इस प्रकार के पॉइंट्स की पहचान की गई है शहरी क्षेत्र में, जमशेदपुर शहर के अंतर्गत, जहां करके अलग से पदाधिकारी और फोर्सेस दी जा रही हैं जो कंटिन्यूअस इस प्रकार का एक एंटी क्राइम और एंटी ड्रंकन ड्राइव भी लगातार चलाती रहेंगी। जहां भी शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में लोग बड़ी संख्या में जाते हैं पिकनिक मनाने के लिए, उन सभी स्थलों पर हम लोगों ने डेपुटेशन किया है मजिस्ट्रेट का और फोर्सेस का, उसके लिए ज्वाइंट ऑर्डर भी निकाला गया है और साथ ही साथ थानों को भी इस बात के लिए सेंसिटिव किया गया है कि वो लोग इस बात का ख्याल रखें कि कोई भी जो सैलानी आ रहा है
वो कोई भी ऐसी हरकत कोई व्यक्ति ना करे जिससे कि बाकी लोगों को तकलीफ पहुंचती हो। सर शहर में तो बहुत सारे सीसीटीवी कैमरे लगे, तो सीसीटीवी कैमरे से मॉनिटरिंग किया, क्योंकि देखा जाता है अमूमन रोड पे बहुत ज़्यादा उत्पाद होता है, क्या सिविल ड्रेस में भी पुलिस पदाधिकारी रहेंगे? चूँकि कंट्रोल रूम इफेक्टिव तरीके से काम करता रहा है और बड़ी संख्या में सीसीटीवी कैमरे भी लगे हैं, तो वहाँ पर रेगुलर हमारे पदाधिकारी और कर्मी सीसीटीवी के माध्यम से भी मॉनिटर करेंगे। और इसके अलावा महिला फोर्सेस की भी डेपुटेशन हम लोग कर रहे हैं, जहाँ ज़्यादा भीड़ भाड़ होती है हम लोग उसी तर्ज पर सिविल में भी लोगों को लगा रहे हैं, जिससे कि रियल टाइम बेसिस पे इनपुट्स मिलते रहे। शहरवासियों से क्या अपील करेंगे? शहरवासियों से यही अपील करना चाहेंगे कि नया साल एक नई शुरुआत का, एक नए आगाज का समय होता है, लेकिन इस बात का आप ख्याल रखें कि अपने घर परिवार के साथ, बच्चों के साथ आप निश्चित तौर पर त्यौहार मनाएं, लेकिन इस बात का भी ख्याल रखें कि ट्रैफिक नियमों का कहीं से भी वायलेशन नहीं हो, कहीं से भी आप नशे की स्थिति में ना चलाएं जिससे कि आप अपने साथ साथ दूसरे की भी जान माल को कहीं ना कहीं खतरे में डालते हैं। बिल्कुल, तो ये थे सीनियर साहब जिस तरीके से बता रहे थे कि शहर में जितने भी एंट्री पॉइंट है या चाहे सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से या रोड पे जो ड्रंक एंड ड्राइव करते हैं उन पे कड़ी निगरानी रखी जाएगी, अगर ऐसे कोई भी व्यक्ति पकड़ा जाता है तो उस पे कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सही बयानों के साथ प्रभात, न्यूज ऑन भारत, जमशेदपुर। 31 दिसंबर और लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।